रोहित शर्मा से ओपनिंग ना करवा कर गलती की। हाँ, क्योंकि अगर रोहित शर्मा जिनके 4 T20 100 है वो आपको पहले 6 ओवर में तेजी पेस स्टार्ट नहीं दे सकते तो फिर ईशान किशन तो बहुत मुश्किल है उनके लिए, एक युवा खिलाड़ी के लिए। चक्रवर्ती की जगह अश्विन को खिलाना चाहिए था ना। वरुण चक्रवर्ती बेहतरीन गेंदबाज है और मिस्ट्री स्पिनर है, जैसे हम मिस्ट्री कहते हैं वैसे मिस्ट्री कुछ होती नहीं है क्रिकेट में, क्वालिटी होती है। और अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जिन्होंने उनको खेला नहीं है तो ये बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते थे, प्रोवाइडेड आपके पास रन होते बोर्ड पे। विराट कोहली अब दबाव में प्रदर्शन नहीं कर पाते ना, इम्पोर्टेंट मैचेस में नहीं कर पाते, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दबाव में नहीं कर पाते। इम्पोर्टेंट मैचेस जहाँ पर मस्ट विन मैचेस हुए, नॉकआउट हुए, आज लिटरली एक नॉकआउट मैच था, ऐसे मैचेस में शायद आपके पास उतनी शायद मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है जितनी आपको जरूरत होनी चाहिए एज अ लीडर। खराब शॉट सिलेक्शन से आउट हुए भारत के तमाम बल्लेबाज। हाँ ना, दोनों बड़ा मुश्किल है, हाँ या ना करना, बिकॉज खराब शॉट आपको तब मारने पड़े क्योंकि आपने डॉट बॉल्स अपने ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा ले लिया। अगर आप वही रोटेट करते रहते, सिंगल्स निकालते रहते तो इतना प्रेशर आता नहीं। अगर आप किन विलियमसन की पारी देखें तो वो कभी भी उस प्रेशर में नहीं थे, इसलिए सिंगल्स की स्ट्राइक रोटेशन की अहमता उतनी है जितनी छक्के मारने की। इंडियन लाइनअप में बुमराह के अलावा दूसरा स्ट्राइक बॉलर नहीं। हाँ, क्योंकि हमने भुवनेश्वर कुमार को देखा, उस तरीके का रिदम नहीं है। शार्दुल ठाकुर उस तरीके के गेंदबाज नहीं है जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मोहम्मद शमी बहुत हॉट एंड कोल्ड है, नो डाउट बेहतरीन गेंदबाज है। वरुण चक्रवर्ती अभी बहुत नए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो हम सबको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी एक्सपेक्टेशन एक युवा खिलाड़ी के साथ नहीं रखनी चाहिए। साथ ही में आज बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई, पहले 2 ओवर में जब नई गेंद से गेंदबाजी करी शायद चांसेस बन सकते थे। अगर यही अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह के साथ शुरुआत करते और बाबर आजम या रिजवान को ऊपर से आउट करते तो शायद स्थिति बहुत अलग होती।